हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलन मास्टर्ड मील्स। आप सबका स्वागत है। आज बनाते हैं पनीर दो प्याज़ा, और ये मसाला है, ये पाउडर है अदरक लहसुन और प्याज, इसका पाउडर है। ये काली मिर्च है, थोड़ा सा आधी चम्मच गरम मसाला है, और एक चम्मच छोटी मिर्ची पाउडर है। एक कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये हरी मिर्च है, और दो प्याज मैंने लिए है, दो टमाटर। ये आवाज़ जो आपको आ रही है ना, वो काम चल रहा है बिल्डिंग तोड़ने का, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। चलो तो फिर बनाते हैं अपना पनीर। ये डालूंगी मैं एक चम्मच घी, ज़्यादा नहीं डालने का, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और ये दो टुकड़ा मैं बटर का डालूंगी, और अब इसमें मैं डालूंगी ये जो मसाला लिया है ना सब, ये डालूंगी। देखो, तेल में थोड़ा फ्राई करूंगी इसको अच्छी तरह से। अब मैं डालूंगी ये पनीर और अपना कैप्सिकम, थोड़ा सा इसको मसाले में मैरिनेट करेंगे ऐसे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि वो कांदा और इसमें थोड़ा सा नमक रहता है। ये बस इतना सा ही करेंगे हम, इसको निकाल देंगे अभी। ये देखो, अभी मैंने एक चम्मच तेल डाला है। अब डालेंगे इसमें प्याज, और प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। देखो, अपना प्याज हो गया है लाल। अब डालेंगे हरी मिर्च इसमें, मैंने तो 5 से लिया है, आपके ऊपर है कितना मिर्ची लेने का वो। और अब डालेंगे टमाटर, ये दो टमाटर है, आपकी इच्छा हो जैसे काट लीजिए, आपको लंबा काटना है बारीक काटना है तो आपके ऊपर है। मैंने तो ऐसे बीच में से काट के, फिर बीच में से काट के ऐसे काटा है। देखो, अभी अपना टमाटर नरम हो गया है। अब डालेंगे थोड़ा हल्दी इसमें, आधी चम्मच हल्दी है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और ये है थोड़ा काजू बादाम का ड्राई पेस्ट, और ये थोड़ा तिल है, तो ये काजू बादाम का डाल देंगे अभी इसमें। और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। डालेंगे थोड़ा सी मलाई, दूध की मलाई है, फ्रेश क्रीम है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि बाद में अपने को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो वो पनीर जो है ना बहुत ही फ्रेश है तो वो टूट सकता है इसके लिए। तो ये एक बॉयल आ जाए तो मैं पनीर डालती हूँ इसमें। ये देखो, ये अब इसमें डालते हैं पूरा, और इसको सिर्फ 2 सेकेंड 2 मिनट
थोड़ा सा उबलने देते हैं। ये देखो अपना पनीर दो प्याज़ा तैयार है। अब डालेंगे ये तिल ऊपर से। ये अभी गैस बंद करो, इसको ज़्यादा पकाने का नहीं अपने को। ये देखो रेडी हो गया अपना पनीर दो प्याज़ा। ये देखो अपना पनीर दो प्याज़ा हो गया है तैयार। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है, वो फ्री है आपके लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू मुझे व्यूज़ देने के लिए। आप लोग करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।